इस वीडियो में हम बात करेंगे 1983 की फिल्म द मून इन द गटर के बारे में, जो जॉन जैक्स बेनिक्स की बनाई दूसरी फिल्म है, जिन्होंने आगे जाकर बेटी ब्लू नाम की एक फिल्म भी बनाई। और ये कहानी है जेरार्ड नाम के आदमी की, जिसे एक रात एक बेहद खूबसूरत औरत नजर आई और उसी रात से वो उस औरत से ऑब्सेस्ड होने लगा। फ्रांस के किसी इलाके में एक रात एक आदमी किसी लड़की का पीछा कर रहा था। और उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके बाद उसी लड़की ने अपनी जान ले ली। उस हादसे को 7 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई उस आदमी को ढूंढ नहीं पाया। वो केस तो बंद हो गया, पर उस लड़की के भाई जेरार्ड ने अपनी खोज बंद नहीं की। वो हर रात उसी इलाके में जाकर अपनी बहन के साथ हुए हादसे को याद करता है और उसने उस गुनहगार को ढूंढने का फैसला कर लिया है। उसी इलाके में जेरार्ड का भाई फ्रैंक भी रहता है, जो अब एक नशेड़ी बन चुका है। वो भी अपनी बहन कैथरीन की मौत के बारे में सोचकर अब डर कर जीता है। एक रात जेरार्ड ने एक रईस आदमी को जुआ खेलते देखा और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए जेरार्ड ने बर्फ खाने का फैसला किया, जिसके बदले वो आदमी पैसों की बेट लगा रहा था। जेरार्ड ने वो बेट जीत कर सारे पैसे जीत लिए, पर उसने सारे के सारे पैसे इलाके के लोगों में बांट दिए। फ्रैंक इस बात से परेशान होने लगा था कि जेरार्ड हर वक्त उस पर नजर रखता है, क्योंकि उसे शक था कि फ्रैंक ने अपनी ही बहन के साथ वो हरकत की थी। पर जेरार्ड की तरह फ्रैंक को भी उस पर शक था। जेरार्ड को न्यूटन नाम के उस रईस आदमी पर भी शक था, क्योंकि उसने पहले कभी उसे अपने इलाके में देखा नहीं था। न्यूटन जेरार्ड की तरह अपनी जिंदगी से परेशान था और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हुए न्यूटन ने जेरार्ड से दोस्ती कर ली। उसने बताया कि वो अपनी बहन के साथ रहता है, पर वो उसे अपने साथ इस भद्दे इलाके में नहीं लाना चाहता। मगर कुछ देर बाद न्यूटन की बहन एक लाल गाड़ी लेकर वहाँ आ पहुँची और उसकी खूबसूरती देखकर जेरार्ड हैरान हो गया। वो उसे देखते ही उसे पसंद करने लगा और लोरेटा नाम की उस लड़की को अपने घर का एड्रेस देकर जेरार्ड वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलकर वो अपने घर गया, जहाँ वो अपने पिता टॉम और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। टॉम की पत्नी ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया था, क्योंकि वो दिन रात शराब पीता है। अपने पिता को कमाए हुए पैसे देकर जेरार्ड ने उसे एक वायलिन भी दिया, पर ये सब कुछ टॉम की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टॉम जेरार्ड के पैसों पर जी रहा है। इस घर के हालात कैथरीन की मौत के बाद इतने बुरे हो गए हैं कि जेरार्ड का परिवार खुशी से जीना भी भूल गया है। जेरार्ड भी दिन रात सिर्फ कैथरीन के बारे में सोचकर परेशान रहता है और इस परेशानी में उसे बेला नाम की औरत में डिस्ट्रैक्शन मिल गया है। बेला जेरार्ड की गर्लफ्रेंड है, पर जेरार्ड उस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। बेला उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, पर जेरार्ड उसके अलावा दूसरी लड़कियों के करीब जाने से भी कतराता नहीं। इस बार भी वो बेला से ज्यादा लोरेटा के बारे में सोच रहा था और उसी रात लोरेटा उसके सामने भी आई। रात के 2 बजे लोरेटा को अपने सामने देखकर जेरार्ड हैरान हो गया, पर लोरेटा ने बताया कि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। वो दोनों डॉक पर गए, जहाँ कुछ देर के लिए जेरार्ड को शांति मिली, पर वो जानता था कि ये शांति ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। जेरार्ड ने बताया कि वो बचपन से ही अपनी बहन के साथ इस इलाके से निकलना चाहता था, पर उसने सिर्फ दूसरे लोगों को यहाँ से आजाद होते हुए देखा। ये सब कुछ सोचकर जेरार्ड रोने लगा और उसे संभालकर लोरेटा कहने लगी कि वो जेरार्ड के साथ यहाँ से दूर जाना चाहती है। लोरेटा का कहना था कि वो उससे प्यार करने लगी है, पर जेरार्ड ने खुद को उससे दूर कर दिया, क्योंकि वो अपने असली मकसद को भूलना नहीं चाहता था। कैथरीन एक ऐसी लड़की थी जिससे हर कोई प्यार करता था और जेरार्ड को ऐसे हर एक मर्द पर शक था जो कैथरीन के करीब था। उन मर्दों में से एक जीसस नाम का आदमी था, जो कभी कैथरीन को बता नहीं पाया कि वो उससे प्यार करता था। जेरार्ड अब ये सोचकर पछता रहा था कि अगर उसने कैथरीन को बता दिया होता तो शायद उन दोनों की शादी हो चुकी होती और फिर कैथरीन को अपनी जान नहीं खोनी पड़ती। इसी पछतावे की वजह से जेरार्ड को अजीबोगरीब सपने आने लगे। और उसने अपना ध्यान काम में लगा दिया, पर लोरेटा ने उसके पास आना नहीं छोड़ा। वो जेरार्ड को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती रही, पर ये बात जेरार्ड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जेरार्ड के गुस्से की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अपने साथी से हाथापाई करते हुए वो बेहोश हो गया। होश में आते ही अपनी बदतमीजी के लिए उसने लोरेटा से माफी मांगी और लोरेटा ने वादा किया कि वो उसे उसकी नौकरी वापस दिला देगी, क्योंकि वो उसके मालिक को जानती है। लोरेटा को फिर से दूर जाने के लिए कहकर जेरार्ड अपने घर लौट गया और उसने अपना रूप पूरी तरह बदल दिया। वो दिन भर एक सूट पहनकर बैठा रहा और बेला समझ गई कि उसके इस बदलाव के पीछे किसी औरत का हाथ है। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई।
और गुस्से में घर से निकलकर जेरार्ड न्यूटन के पास चला गया। वो चाहता था कि न्यूटन लोरेटा से कहे कि उसे जेरार्ड से दूर रहना होगा। न्यूटन ने जेरार्ड को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया और तब अचानक दो बूढ़ी प्रोस्टिट्यूट्स उनके पास आ गई। उन औरतों को जेरार्ड के पास देखकर लोरेटा नाराज हो गई और उसका बर्ताव देखकर जेरार्ड इस बार अपने आप को उससे दूर नहीं रख पाया। सब कुछ भूलकर जेरार्ड भी उससे प्यार करने लगा। लोरेटा के प्यार में डूबकर वो अपने मकसद और अपनी बहन की यादों से दूर जाने लगा। अपने परिवार के बारे में बताते हुए लोरेटा ने कहा कि उसकी माँ भी एक शराबी थी और न्यूटन अपने माता पिता से तंग आ चुका था, इसलिए एक रात उसने उन दोनों को मारने का फैसला किया और एक एक्सीडेंट के जरिए उसने उन दोनों की जान ले ली। न्यूटन दिमागी तौर से बीमार तो था, पर वो उस आदमी जैसा नहीं था जिसे जेरार्ड ढूंढ रहा है। उस रात अपने शहर और अपने पिता टॉम को पीछे छोड़कर जेरार्ड लोरेटा के साथ एक चर्च में चला गया और उस चर्च में वो लोरेटा से शादी करने की तैयारी करने लगा। एक बार के लिए हिचकिचाने के बाद उसने पेपर्स पर साइन कर दिया और उन दोनों की शादी पूरी हुई। जेरार्ड बिल्कुल भी होश में नहीं था और उसे ये तक समझ नहीं आया कि वो अपने घर वापस कब लौटा। उसे इस तरह अजीब सा बर्ताव करते देख टॉम की पत्नी भी हैरान हो गई। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए अचानक उसे वो दिन याद आ गया जब उसे हॉस्पिटल में कैथरीन की लाश देखने बुलाया गया था, पर अपने इस सपने में उसे कैथरीन की जगह लोरेटा की लाश नजर आई और तब उसे एहसास हुआ कि वो लोरेटा से इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसे लोरेटा में कैथरीन नजर आती है। एक रात जेरार्ड ने बेला को बता दिया कि वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर अपनी पत्नी लोरेटा के पास जा रहा है। बेला ये सब कुछ सह नहीं पाई और कहने लगी कि लोरेटा जैसी रईस घराने की लड़की कभी इस माहौल में जी नहीं पाएगी, वो इस गंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। और ये सुनकर जेरार्ड अपना आपा खो बैठा। अपना सारा सामान लेकर जेरार्ड हमेशा के लिए घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, पर जब फ्रैंक को ये बात पता चली तो उसने बताया कि कुछ महीनों पहले लोरेटा ने उससे भी बात की थी और लोरेटा से बातें करते हुए उसे लगने लगा कि वो उसे पहले से जानता है, क्योंकि जेरार्ड की तरह फ्रैंक को भी उसमें कैथरीन नजर आती है। जिस वक्त फ्रैंक लोरेटा से मिला था उस वक्त भी वो अपनी लाल गाड़ी में आई थी और उस गाड़ी को देखकर फ्रैंक को अजीब सा डर महसूस हुआ। उस रात के बाद फ्रैंक ने बार बार लोरेटा का पीछा किया और ये सुनकर जेरार्ड परेशान हो गया क्योंकि इसी तरह उस अनजान आदमी ने कैथरीन का पीछा किया था और वो फिर से ये सोचने लगा कि शायद फ्रैंक ने कैथरीन को मारा है। लोरेटा के कहने पर जेरार्ड के मालिक ने उसे फिर से नौकरी दे दी और एक दिन काम करते हुए जेरार्ड एक तूफान के बीच फंस गया। उसे अपनी फैक्ट्री में रुकना पड़ा और तब उसके सामने एक अनजान आदमी आया जो उसे अपने पास बुलाने लगा। वो आदमी असल में अपने साथी के साथ जेरार्ड को मारना चाहता था, पर जेरार्ड ने उन दोनों को पीटकर अपनी जान बचा ली। उसे पता चला कि उन दोनों को बेला ने भेजा था और ये जानकर उसका दिल टूट गया। वो समझ नहीं पाया कि उसे अब आगे करना क्या चाहिए और वो बेला का सामना करने उस रात अपने घर चला गया। बेला को देखकर उसे यकीन हो गया कि उस गुंडे की बात सच थी और बेला जेरार्ड के मौत की खबर का इंतजार कर रही थी। जेरार्ड ने बेला को वो पैसे दे दिए जो उसने गुंडों को दिए थे, पर उसने बेला से कुछ नहीं कहा और बेला को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेला कहने लगी कि जेरार्ड को मरवाने का प्लान उसका नहीं था बल्कि फ्रैंक का था, क्योंकि फ्रैंक को शक था कि कैथरीन के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे जेरार्ड का हाथ है। बेला जेरार्ड को रोकने की कोशिश करती रही, पर जेरार्ड फ्रैंक को ढूंढने निकल पड़ा। वो हर किसी से उसके बारे में पूछने लगा, पर कोई नहीं जानता था कि फ्रैंक कहाँ है। आखिरकार फ्रैंक उसे शराब के नशे में डूबा हुआ मिला और उसकी बातें सुनकर जेरार्ड को लगा कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा था वो उसका भाई है। वो कैथरीन की मौत का बदला लेने के लिए फ्रैंक को मारने ही वाला था कि तभी उसे जीसस वापस होश में लाया। बदला लेने के पागलपन में जेरार्ड इतना डूब गया था कि वो हर किसी को गुनहगार मानने लगा था, पर सच यही था कि वो आज तक असली गुनहगार को ढूंढ नहीं पाया। अंत में लोरेटा उसे लेने उसी इलाके में आ पहुंची और उसने अपनी मौजूदगी से जेरार्ड को उसके पागलपन से बाहर निकाला। जेरार्ड सालों से एक ऐसी दुनिया के सपने देख रहा था जहां उसके आसपास सिर्फ पेड़ पौधे और खुशियां हो। वो अपनी बहन के साथ अपने शहर से दूर जाना चाहता था, पर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसे तभी नजर आया जब उसकी जिंदगी में लोरेटा आई। लोरेटा सिर्फ एक जरिया थी जो जेरार्ड को असल दुनिया से बाहर निकाल रही थी और जेरार्ड को कभी उससे प्यार था ही नहीं। वो सिर्फ लोरेटा में अपनी बहन को देखता था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ना तो वो अपनी असल दुनिया से बाहर निकल पाएगा और ना ही लोरेटा के साथ रह पाएगा। इसलिए वो बेला के पास लौट आया जो लोरेटा की तरह जादुई पर्सनालिटी तो नहीं रखती, पर वही जेरार्ड को असल दुनिया में होने का एहसास दिला सकती है। जिस इंसान ने कैथरीन के साथ जबरदस्ती की थी वो कभी नहीं मिला, पर इस बार जेरार्ड अपनी इस परेशानी और अपनी इस खोज से बाहर आने में कामयाब हुआ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।